छोटी छोटी चीज बता दी थी कि शेष राशि क्या होती है, आदिश राशि क्या होती है, फिर उनके उदाहरण भी बता दिए गए थे और उसके बाद में पूरी डिटेल। तो आज बात करते हैं हम एक नए शब्द की जो अपन दाव कहते हैं। क्या है दाव? क्या होता है दाव? दाव इंग्लिश में बोलते प्रेशर। तो दाव क्या होता है? दाब को अपन इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में, कोई वस्तु जो उसके एकांक समय में जो क्षेत्रफल होता है एकांक समय में किया गया कार्य, तो क्या कहेंगे? किसी वस्तु के प्रति एकांक, प्रति एकांक एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को क्या कहते हैं अपन? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। तो अब जो वैश्विक सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? दाब बराबर क्या बनेगा? बल बटे क्षेत्रफल। क्या बनेगा भाई? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब भाई विचार आओ कि दाब है, इसका मात्रक क्या होता है? जो दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है भाई? बल होता है फोर्स इंटू एरिया। तो क्या कहेंगे अपन? जो बल होता है इसका बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो क्या कहेंगे? P बराबर अपन को ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन। और जो क्षेत्रफल होता है इसको क्या है? मीटर में। तो ये हो गया M। तो जो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि अपन जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है? 2D में होता है, और जो आयतन होता है वो 3D में होता है, इसलिए आयतन के लिए अपन क्यू लगाते और क्षेत्रफल के लिए अपन स्क्वायर लगाते। ये क्लियर? अब मन में विचार हो रहा कि ये जो दाब है, दाब किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो देखो जो दाब होता है प्रेशर, ये एक प्रकार की कौन सी राशि भाई? सदिश राशि। इसमें क्या है? सदिश राशि में होती जो बल परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान करवाती है। तो ये कौन सी राशि थी? ये सदिश राशि दोस्तों, सदिश राशि। उसके बाद अपन जो एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर पास्कल पी से दर्शाते, एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक पास्कल बराबर एक मीटर प्रति न्यूटन स्क्वायर होता है। ये अपन ने दाब की बात करी। मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अभी भाई पांच ही आए हैं, पांच कैंडिडेट देख रहे, तो 20 करो जल्दी से जल्दी, इसको 20 करो। ठीक है भाई, एक बार फिर बता देता हूं आपको कि दाब क्या होता है। किसी वस्तु की प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को अपन क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या प्रेशर को इंग्लिश में पी से दर्शाते, और जो बल होता है फोर्स न्यूटन से, इसका मात्रक होता है एन बटे एम। तो क्या हुआ भाई? जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो राशि हुई वो सदिश प्रकार की राशि है। इस प्रकार से अपन इसको कंप्लीट किया।